संदिग्ध आतंकी जीशान अली 14 दिन की रिमांड पर। सऊदी अरब से लाया गया था भारत। भारत में आतंक की जमीन तैयार करने की कोशिश में था। अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी जीशान अली को सऊदी अरब से भारत लाया गया। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। स्पेशल सेल के मुताबिक जीशान आतंकवादी गतिविधियों के नेटवर्क का हिस्सा है और वो भारत में आतंक की जमीन तैयार करने की कोशिश में था। जीशान जमशेदपुर के आजाद नगर थाना इलाके के रोड नंबर 14 का रहने वाला है। ये संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जीशान का घर है, जहां फिलहाल उसके बूढ़े पिता ही मौजूद हैं। पहले प्रेस वाले जितना भी थे छापे, किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट किया ही नहीं। मैं इसीलिए मैं बहुत दूर से मैं पसोड़ी जा रहा हूं। ठीक है, जो भी है, अब हम जो भी बात करेंगे वो हम अपने लॉयर से पहले बात करेंगे, उसी बात। दिल्ली पुलिस ने एक साल पहले जीशान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। वहीं अलकायदा से जुड़े एक दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते 25 साल के राजा उल अहमद को पकड़ा था। जीशान का भाई सैयद मोहम्मद अहमद भी ग्लोबल आतंकी संगठन से जुड़ा है। कौन है जीशान अली? सैयद मोहम्मद जीशान अली झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। 2016 से ही वो दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। उसने 2007 में लंदन के ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए कार बम धमाके के मास्टरमाइंड कबील की बहन से शादी की है। सैयद मोहम्मद जीशान अली का लिंक ग्लोबल आतंकी संगठन से है। जीशान का भाई सैयद मोहम्मद अर्शियान भी ग्लोबल आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु के डॉक्टर सबील और कफिल नाम के दो भाइयों ने 30 जून 2007 को लंदन में यह हमला किया था। इसी धमाके में कफिल घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी लंदन में ही कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। वहीं सबील को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन 2 साल बाद वो जेल से भाग गया था। गुनाह के लिए जमशेदपुर से लाला जवी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।